करके ले जा रहे चालक के डंपर की चपेट में आए युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद परिजनों को समझाने व रोड पे जाम खुलवाने के लिए पुलिस बल व प्रशासनिक अमले को मौके पर पहुंचना पड़ा। ये पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा एहार का है। आपको बता दें कि डंपर चालक तेज रफ्तार में डंपर को चला रहा था, इसी दौरान मार्ग से गुजर रहा युवक डंपर की चपेट में आ गया। डंपर की जद में आए युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। युवक की आकस्मिक मौत से गुस्साए परिजनों ने शव को लेकर मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन व पुलिस से अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तो सुनील लोधी पुत्र विश्राम लोधी पूरे लगभग ग्राम एहार के रहने वाले हैं, जिनका डंपर नंबर है मैं DD 6229 एक्सीडेंट हो गया है। डंपर को पकड़ लिया गया है, चालक अभी मौके से फरार है, जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई की। इस क्षेत्र में अवैध खनन पूरे जोरों से चल रहा है, रात के अंधेरे में चारों तरफ अवैध खनन कर रहा है माफिया, भूमाफिया, और इनके बड़े बड़े डंपर हैं, ट्राला हैं, और उसी की भेंट आज एक गरीब परिवार सुनील जो पंजाब से कमाई करके लौट रहा था अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, वो गांव के ही करीब एक तेज डंपर ने उसको कुचल दिया, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। और इस क्षेत्र में हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग है कि अवैध खनन तत्काल रोका जाए।